तो भाई हमने बस थोड़ा मेरठ से अभी हम 44 किलोमीटर, यह है कुल्हड़ चाय श्री बालाजी टूरिज्म ढाबा। यहाँ पर कम 6-7 सीटें दिखाई दे रही थी। बोलो हर हर महादेव, लेके प्रभु का नाम। हम निकल चुके हैं हरिद्वार ट्रिप के लिए। अभी जो टाइम हो रहा है वो 1 रात के 1 बज चुके हैं, और हम करनाल बाईपास से होते हुए मेरठ एक्सप्रेसवे के द्वारा हम हरिद्वार जाएंगे। तकरीबन हम सुबह, मेरी कैलकुलेशन के अनुसार, हम सुबह 5 बजे तक हरिद्वार पहुंच जाएंगे। 25 किलोमीटर राइड करने के बाद हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के अंदर सरायकेला खान। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब सा लग रहा है, बादल गरज रहे हैं, शायद बरसात भी हो सकती है। बस महादेव जी कृपा करना, ज़्यादा तेज़ बरसात मत करना। तो लेफ़्ट साइड से हमारा मेरठ एक्सप्रेस वे हाईवे जुड़ता है सरायकेला खान से, तो हम एंटर कर चुके हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे। जो मेरठ एक्सप्रेस वे है ये 4 लाइन हाईवे है। यहाँ ना आपको दाएं ना बाएं कहीं नहीं मुड़ना, सिर्फ नाक की सीट में आपको सीधा सीधा चलना है। आपको खुद पता नहीं चलेगा आप हरिद्वार कब पहुँच गए। तो ये मेरठ एक्सप्रेस वे थोड़ा सा लंबा पड़ता है दिल्ली से हरिद्वार के लिए, तो मैं पूरा हाईवे हाईवे जाऊँगा, देखता हूँ कितना लंबा पड़ेगा। मुझे लगभग 35 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है। तो भाई हमने बस थोड़ा मेरठ से अभी हम 44 किलोमीटर दूर है, और बरसात, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता ही रहा था, बादल काफ़ी गरज रहे हैं, बरसात जम्मू हो सकती है। ना महादेव जी रहे थे उस कहता था, महादेव जी ने कहा नहीं बेटा तुम नहा के आओ, तो बस हम नहा लिए थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा हम इसके पुल के नीचे रुके हुए हैं, ओवर क्रॉसिंग जिसे कहते हैं, तो अभी थोड़ी हल्की हो गई है बारिश, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ये मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पे पहला टोल प्लाजा मेरठ से तकरीबन 12 से 11 किलोमीटर पहले, अभी अभी जस्ट हमने क्रॉस किया है इस टोल प्लाजा को। मैंने दिल्ली से अभी अपने घर से 81 किलोमीटर चला चुका हूँ। ये मेरे घर से ठीक 81 किलोमीटर दूर पहला टोल प्लाजा हरिद्वार वे पे पड़ा है। साइन बोर्ड में दिखाई दे रहा है हरिद्वार के लिए सीधा और मेरठ के लिए राइट। अगर आप मेरठ जाते हो तो यहाँ से राइट हो जाना, आप मेरठ शहर पहुँच जाओगे। और बाकी अभी हम आउटसाइड हाईवे से निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। 110 किलोमीटर चलने के बाद मेरी धन्नो रानी थोड़ा रेस्ट कर दिया है, और हमने चाय का ऑर्डर दिया है श्री बालाजी टूरिज्म पे। अभी मेरठ का हमने 1 किलोमीटर पहले गाँव वाला टोल प्लाजा क्रॉस किया है, तो अभी यहाँ से हरिद्वार तकरीबन 120 किलोमीटर और है। तो अभी हम अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये जर्नी मैं अपनी दीदी के साथ कर रहा हूँ। दीदी को हरिद्वार घूमना था, तो दीदी को हरिद्वार घुमाने आया हूँ मैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। धन्नो तैयार हो ना? धन्नो मेरी रेडी है जाने के लिए। यह है कुल्हड़ चाय श्री बालाजी टूरिज्म ढाबा के। हर हर महादेव गाइस। तो सूरज निकलने लगा है, उजाला होने लगा है, और वेलकम टू हरिद्वार कुम सिटी। और हरिद्वार में हमने एंटर भी कर दिया है। तो जैसे कि सूरज निकलते आ रहा है और हम हरिद्वार के काफ़ी नज़दीक हैं, जैसे कि आप साइन बोर्ड में देख रहे हो 7 किलोमीटर बचा है सिर्फ मात्र हरिद्वार। हर हर महादेव। हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। तकरीबन हम 5:05 पर मैं हरिद्वार पहुंच गया था। थोड़ा पार्किंग इशू की वजह से थोड़ा, मतलब घाट पे आने में थोड़ा टाइम हो गया। मैं अभी राइट नाउ हर की पौड़ी घाट पे हूँ,
आप ये फ्लॉक देख सकते हो, इस फ्लॉक को आप देख के पहचान जाओगे ये हर की पौड़ी का फ्लॉक है। तो बस थोड़ा पार्किंग इशू ये था कि जितनी भी पार्किंग थी यहाँ पर सारी फुल थी और एक दो पार्किंग में कार्ड अवेलेबल नहीं थे। तो इस टाइम जो यहाँ पर पार्किंग का चल रहा है वो कोई पर्ची काट के नहीं देते, वो कार्ड का प्लास्टिक कार्ड देते हैं, उसमें लिखा होता है पूरी इंफॉर्मेशन पार्किंग से रिलेटेड और वो कार्ड नंबर अपने पास ऐड कर लेते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा ही पार्किंग इशू था, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं था। तो मैं अभी हर की बॉडी पर आ चुका हूँ बस, और मैं थोड़ा सा पानी को बस निहार रहा हूँ, गंगा भैया को निहार रहा हूँ। कितना ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। एक तो हम नाइट का सफ़र करके आए हैं, नाइट राइडिंग करके आए हैं, जिसकी वजह से जो ठंडी ठंडी हवा आती मॉर्निंग में वो जो मज़ा आया हमें मेरे को राइडिंग करने पर, जो 4 से 5 बजे की जो मेरी राइडिंग थी उसमें मेरे को बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। मैं आपको बता नहीं सकता इतना आनंद आया, कहने की बात नहीं। इतना ठंड सा मतलब कप कपी से छूट रही, मतलब पूरा ठंड का एहसास हरिद्वार के अंदर भी मुझे। तो बस तो जो मेरा पानी भी है वो भी बहुत ठंडा है। तो बस मैं अपने आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। नहाने का भाव देखिए काफ़ी ही ज़्यादा तेज़ है और ओवर लाइन ओवर लिमिट भी लाइन है इनकी। तो पहले जब मैं आया था तो इतना भाव नहीं था यहाँ पर, कम 6-7 सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ भाव बहुत तेज है इस टाइम, आप देख सकते हो। और रस भी बहुत ज़्यादा है, ये भी देख सकते हैं आप सामने पहाड़ी पे मनसा देवी। हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं, गंगा मैया में स्नान कर लिया है हमने, और स्नान करने के बाद हम जा रहे हैं मनसा देवी। प्रसाद वसाद सब चढ़ा लिया है, अब निकल रहे हैं हम मनसा देवी ओ सामने पहाड़ों में।